अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जायका इंडिया। आज हम बनाएंगे मैंगो आइसक्रीम और इसके लिए हमें सिर्फ तीन चीज़ें चाहिए। एक किलो हमने आम का पल्प लिया है, कोई भी बिना रेशे वाला आम लेकर आप इसका पल्प निकाल सकते हैं। आम को छीलकर इसका पल्प निकालकर उसे एक बार मिक्सी में चला लें, पल्प रेडी हो जाएगा। और दूसरी चीज़ चाहिए हमें अमूल की फ्रेश क्रीम, और तीसरी चीज़ हमने ली है मिल्क मेड। फ्रेश क्रीम हमें 2 कप चाहिए, इसे आप किसी भी जनरल स्टोर से आराम से ले सकते हैं। और कंडेंस मिल्क हमें चाहिए 1 कप। अब एक बाउल में 2 कप अमूल की फ्रेश क्रीम लेंगे और एक इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से इसे बीट कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से एक इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से हम क्रीम को व्हिप्ड कर लेंगे। पाँच मिनट के बाद हम क्रीम को एक चम्मच से चेक कर लेंगे। अगर ये चम्मच से गिरती है तो इसका मतलब है हमारी क्रीम अच्छे से व्हिप्ड नहीं हुई है। थोड़ी देर हम इसे इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से और बीट कर लेंगे। पूरे 10 मिनट तक हमने क्रीम को बीट कर लिया है। अब हम फिर से इसे एक चम्मच से चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं क्रीम काफ़ी थिक हो गई है, हमें ऐसी ही चाहिए थी। अब हम इस क्रीम में 1 कप कंडेंस मिल्क यानी मिल्क मेड ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिल्क मेड को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें मैंगो पल्प ऐड करेंगे थोड़ा थोड़ा करके। अब क्रीम में कंडेंस मिल्क और पल्प को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, क्रीम, मैंगो पल्प और मिल्क मेड अच्छे से मिक्स हो गए हैं। 5 मिनट का वक्त लगा इन सबको अच्छे से मिक्स करने में। अब इस मिक्सचर में हम ये आम के छोटे छोटे पीस कटे हुए डाल देंगे। ये खाते वक्त जब मुंह में आते हैं तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं। अब इन पीसेस को अच्छे से मिक्स करने के बाद इस सभी मिक्सचर को एक कंटेनर में डाल देंगे। अब यह आइसक्रीम का सभी मिक्सचर एक कंटेनर में डाल देंगे। और अब इस कंटेनर को ढककर हम पहले 3 घंटे के लिए फ्रीजर में रखेंगे। 3 घंटे हो गए हैं आइसक्रीम को रखे हुए। अब इसे एक बार हम किसी चम्मच या कांटे की मदद से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम दोबारा इसे कम से कम 8 से 10 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख देंगे। आठ से 10 घंटे के बाद हम आइसक्रीम को चेक कर लेते हैं। ये देखिए, मैंगो आइसक्रीम अच्छे से जमकर रेडी हो गई है। अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो देखिए व्यूअर्स, बहुत ही मज़ेदार मैंगो आइसक्रीम बनकर रेडी हुई है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आने पर वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।